ले सका तो प्रदीप चौधरी ले, वोट बीजेपी को देना चाहिए। बीजेपी को ही दूंगा जी। शादी में कोई प्रोग्राम हुआ या कोई ऐसा मामला हुआ तो उसमें तो हमारे जयमे एमपी साहब आ गए, नहीं तो हमने यहाँ कभी शक्ल नहीं देखी। हमारे ज्यादा किसने काम करा तो माननीय धर्म सिंह सैनी ने करा जी। ये ट्रांसफार्म रखा सामने देखो, ये मुझे खुद उन्होंने दिया था। बस प्रदीप देखो, जब इसको ये बताओ आपने कोई चीज खाई वो अच्छी लगी तो उसको दोबारा से भी तो खाएगा। जब उसे कुछ मजा ही नहीं है दोबारा क्यों खाएगा उसे? देखो जी, ईमानदारी बात तो है कि लड़का मनीष चौहान जो है नया लड़का है, बहुत अच्छा लड़का और जी काम करने वाला आदमी। पब्लिक को चाहिए आज के दौर में जय काम, और काम जितना इस सरकार में हो रहा ये बता दो पहली सरकार ने करा गया। बाकी हमें नहीं कहते मोदी की सरकार अच्छी है, मोदी की सरकार में फायदे बहुत हो रहे, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, फायदा मुस्लिम तो ये सबसे बड़ी बात। मेरा अंडा काम है जी, और मैं रात को 8 बजे 9 बजे 10-11 बजे तक आता हूँ जी। कहीं भी कोई चोरी नहीं है जी, किसी टाइम चाहे कहीं को निकल जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मोदी है या योगी है, देखो ये लोग तो चाहने रहे कि भाई हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो आपस में। ये जो 20 के और लोग हैं ना, ये चाहते हैं। अब से पहले यहाँ धर्म सिंह आए थे जी 5-7 साल पहले, उन्होंने को आते भी थे, वो बात सही है, उन्होंने हमारे यहाँ काम भी करा है। नमस्कार दोस्तों, कैना लोकसभा का गांव है उधौराला, इसमें भी हम आए हैं, मुस्लिम साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ पे गांव में किस तरह के मुद्दे हैं, प्रदीप चौधरी जो उनके सांसद हैं उन्होंने किस तरह के विकास कार्य कराए हैं, और अगले 5 साल ये किसको देना चाहते हैं, किसको अपना सांसद बनाना चाहते हैं, किसकी सरकारें चाहते हैं जी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वेश खान। सर्वेश भाई, अगर हम बात करें आपका एमपी कौन है बताइएगा? एमपी प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी से कभी मिले हैं गाँव में आए हैं? नहीं, वहीं मिला कोठी भी। विकास कार्य अगर गांव की करी जाए, बातचीत करिए, क्योंकि जितने भी उनके क्षेत्र में गांव पड़ते हैं सबके अपने एमपी हैं, वो सब जगह उनका विकास कार्य होना चाहिए। आपके गांव में किस तरह का विकास कार्य उन्होंने कराया? बस एक जोड़ का काम अटका हुआ, नहीं तो सारे काम बहुत ही अच्छे चल रहे। एमपी साहब ने क्या काम कराया? एमपी साहब ने टंकी का काम करवाया, टंकी लगवाई। और विधायक जी ने भी कोई काम कराया? विधायक जी ने कोई काम नहीं, विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया। कभी आए गांव में? हाँ गांव में आए जी। अच्छा बात बताएं, आप अभी लोकसभा चुनाव में एक राशन का टिकट तो फाइनल हो गया, मनीष चौहान की भी चर्चा हो रही है, मरगांगा की भाजपा चर्चा हो रही है, और प्रदीप चौधरी किसको अपने सांसद बनाने चाहते हैं? प्रदीप चौधरी अच्छा आदमी है। प्रदीप चौधरी मरगांगा या इकरा की बात नहीं करेंगे? उनकी टक्कर नहीं हो सकती। इकरा की ले सका तो प्रदीप चौधरी ले। वोट बीजेपी को देना चाहिए? बीजेपी को ही दूंगा जी। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, गठबंधन का होना चाहिए या बीजेपी का? मोदी होने? नहीं, मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी दोबारा आने चाहिए। मोदी जी वजह क्या है भैया मोदी जी के आने? मोदी जी काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक दो काम गिनवा दो आपको अच्छे लगे। सबसे बढ़िया तो प्रधानमंत्री आवास योजना ही, उससे अच्छे कोई मामला जी। ये रहा जी सबसे बड़ा। इसके अलावा जो है और क्या काम आप देखते हैं उनके, अगर बात की जाए तो? उसके अलावा उनके जो काम है सबसे अच्छा तो प्रशासन का काम है जी। जो मामला पिछली सरकारों में रहा वो ऐसा कोई मामला नहीं था कि कोई भी गया थाने में इसे पकड़वा दिया, उसे छुड़वा दिया। प्रशासन किसी की नहीं सुनता, प्रशासन सबसे अच्छा काम कर रहा, तो इसलिए मोदी जी का ही मामला होना चाहिए। पक्का अगली बार मोदी सरकार? मोदी सरकार। और एमपी साहब फिर से प्रदीप जी? प्रदीप चौधरी जी पक्का वोट देंगे? चलिए बातचीत करेंगे। भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम अकरम खान है। अकरम भाई, गाँव के जिम्मेदार आदमी है आप, हैं गाँव धोराले में आप रहते हैं, गाँव की समस्या क्या क्या है? गाँव की समस्या देखो जी, मेन तो यहाँ पानी की समस्या थी, अल्लाह ताला ने वो भी पूरी करवा दी। ये मोदी जो टंकी आ गई है, हाँ जी, ये तो प्रधानमंत्री योजना है टंकी लगने की। इसमें जो है कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है, किसी विधायक ने दी या किसी एमपी ने दी। और एमपी साहब की अगर आप, मैं कहता हूँ कि एमपी साहब तो कभी गाँव में यहाँ आए ही नहीं। शादी में कोई प्रोग्राम हुआ या कोई ऐसा मामला हुआ तो उसमें तो हमारे जयमे एमपी साहब आ गए, नहीं तो हमने यहाँ कभी शक्ल नहीं देखी। आपने कोई काम उनको बताया हो गाँव वालों ने कि भाई हमारे गाँव में काम होना चाहिए, एमपी साहब ने कोई काम कराने का? जी, हमने उन्हें काम बताया तो हमारे गांव से रास्ता नजेली जा रहा, आज भी कच्चा रास्ता है जी। वो आज तक कुछ नहीं बना। वो एक रास्ता हमारा जा रहा यहाँ से धोराले से मोदीपुर, उससे कोई रास्ता मतलब वो पक्का नहीं बना। एमपी साहब के पास हम कितनी बार हमने जा कहा और लोग भी गए वहां से कि भाई इसे जो है ये हमारा काली सड़क बनवा दो, तो बना, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। गठबंधन से एक राशन का नाम आ गया है, समाजवादी पार्टी के खाते में सीट आई है, और बीजेपी से जो है मनीष चौधरी भी जो है तैयारी कर रहे हैं अपनी, प्रदीप को भी चर्चा हो रही है, मरगांगा से भी आ सकती है। चौधरी रुद्रसेन या इंद्र सेन भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, किसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं? देखो जी, ईमानदारी बात तो है कि लड़का मनीष चौहान जो है नया लड़का है जी, बहुत अच्छा लड़का और जी काम करने वाला आदमी। हमारे वैसे गांव में, यहाँ विकास के गांव में, जब ज्यादा किसने काम करा तो माननीय धर्म सिंह सैनी ने करा। धर्म सिंह सैनी जी, ये ट्रांसफार्म रखा सामने देखो, ये मुझे खुद उन्होंने दिया था जी। उन्होंने मुझे खुद ट्रांसफार्म दिया, ये प्लस 20-25 खंबे हैं और 100 का ट्रांसफार्मर है, ये उन्होंने लगवाया। उधर तार हमने नए बदलवाए तो मंत्री जी नहीं, हम तो अगर उन्हें टिकट मिल जा तो उससे उनसे बेहतर तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे पार्टी में तो भी किसी में है नहीं वो? अगर वो पार्टी मारते हैं
अगर वो कोई सी पार्टी में आ जाओ, किस पार्टी में आ जाए, भाजपा में आ जाओ, हमें कोई दिक्कत, भाजपा में आएंगे तो खुल के वोट देंगे, पहले और भाजपा में कोई और आता है तो नहीं, फिर मनीष चौहान है, फिर मनीष चौहान को देंगे, प्रदीप जो कोई क्यों नहीं, बस प्रदीप देखो जब इसको ये बताओ आपने कोई चीज खाई वो अच्छी लगी तो उसको दोबारा जब तो खाएगा, आज जब उसे कुछ मजा ही नहीं है दोबारा क्यों खाएगा उसे जी। जब एक आदमी यहाँ पूरे गांव में फिर के देख लो, अगर पूरे गांव में कहीं माने एमपी साहब का यहाँ कोई पत्थर लगा हुआ, ये गांव के लोग खड़े कोई बता दो एक आदमी के एमपी साहब ने यहाँ गांव में कुछ दिया जी। इसमें कोई वो नहीं, मरगांगा आ गई तो मरगांगा फिर तो बात यह है जी, मोदी जी को देखते हुए मोदी विकास की तरफ है तो उन्हें देना पड़ेगा वोट, अगला प्रधानमंत्री मोदी पक्का पक्का बिल्कुल वोट देंगे बिल्कुल, लेकिन वोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वोट की बात, अच्छा बात सुनो जी। और तो आदमी का ओपिनियन है भाई, देखो पब्लिक को चाहिए आज के दौर में जय काम जी। और काम जितना इस सरकार में हो रहा ये बता दो पहली सरकार ने करा गया, मुस्लिम समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी के एक दो काम बताए जो उन्होंने अच्छे काम किए, ये कितने अच्छे काम है, घर घर दो जय शौचालय बनवा दिए, मकान बन गए हमारे गोमक, पता नहीं कितना काम है, ये टंकी है अभी ये टंकी भी तो मोदी जी की देन है, और शौचालय पता नहीं हमारे गाँव में यहाँ कितने बन गए, अब वो मकान की योजना है वो भी तैयार है वो भी आने वाली, लेकिन सहारनपुर की जनसंख्या को देखते हुए अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेडिकल सुविधा होनी चाहिए थी मोदी की सरकार है, यहाँ की नुमाइंदगी जो है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, एमपी एमएलए सांसद आपके हैं, यहाँ पे एम्स जैसी सुविधा तो मिली, हल्का सा बुखार है चंडीगढ़ और देहरादून जाना पड़ता है, मोदी जी की बात कर रहे हो, अच्छा बात सुनो मेरी, अगर आप बर्फी खाओगे सूजी की तो मिलेगी आपको कितने की 80 रुपया किलो, अगर खाओगे मावे की तो मिलेगी 350 रुपया किलो, आज कद्दू खाओगे तो 700-800 रुपया किलो करनी पड़ेगी, जब मजा में सुविधा वहां की चाहिए चंडीगढ़ की तो फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, नहीं डॉक्टर तो है यहाँ भी, यहाँ इलाज नहीं हो रहे, बताऊँ मुझे भैया, अगर यहाँ इलाज नहीं हो रहेगा वो तो जब जरा सीरियस हो जा तो आदमी जाने पड़े, देखो दिल्ली जाना पड़े चंडीगढ़ जाना पड़े वो तो जाना ही पड़ेगा, मोदी सरकार में कुछ अच्छे बेहतर काम जो मुसलमानों के लिए हुए हैं वो बताइएगा, सबसे अच्छा काम तो है गुंडागर्दी खत्म हो गई, एक मुसलमान को एक मीट खाने का शौक है वो मीट डॉक्टरी पास हो गए अच्छी दुकानों पे अच्छी तरह से उसकी बिक्री हो रही, वरना पहले बीमार कट रहे लंगड़े लुल्ले कट रहे ये सारा बुरा हाल हो रहा, तो इसलिए ये भी तो सरकार की तो बात है, ये भी पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा, चलो मोदी जी के भक्त हैं आप, धर्म सिंह जी की बात कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, भाई जी अपना नाम बताइए, मोहम्मद शेरदिल, शेरदिल भाई गांव धोराले के रहने वाले हैं, गांव में जी 5 साल एमपी साहब को दिया प्रदीप चौधरी को, कैसे विकास कार्य देखते हैं उनके, विकास की बात तो ऐसी है जी कि कभी कोई काम पड़ता है तो कभी है नहीं यहाँ से, और जब इलेक्शन होता है उस वक्त ही आते हैं बस वोट मांगने के लिए, बस वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई विकास कार्य तो उन्होंने गाँव में करा, अभी कुछ नहीं कराया जी, क्या करा, कुछ नहीं कराया, नहीं कराया, नहीं कुछ नहीं, अगली बार चुनाव में आएंगे तो हाँ तो आएंगे देखो, तो है ही उन्हें बहरहाल है भाई, वोट तो मांगने के लिए आएंगे ही, जैसा मौका देखेंगे ऐसा देंगे जो वोट, इकराइसन भी चुनाव में आ रही है, समाजवादी पार्टी के उनका सिंबल होने जा रहा है, गठबंधन प्रत्याशी है, और मृगांका सिंह की भी चर्चा हो रही है, प्रदीप चौधरी की भी चर्चा हो रही है, मनीष जी की भी चर्चा हो रही है कि चुनाव लड़ा जाएगा, कराना विधान लोकसभा मानी जाती है, किसको अपना सांसद चुनना चाहेंगे आप, अगर वक्त पे देखेंगे इस बात को, जो अच्छा लगेगा जो हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे भाई साहब, गांव में विकास कार्य अभी तक किस किस ने कराया, विधायक भी आपका जो है यहाँ पे मुकेश चौधरी है, एमपी साहब भी हैं और प्रमुख साहब भी यहाँ पे हैं, किसने विकास कार्य कराए, काम तो भाई इसको कर ही रहे हैं, देखो भाई टंकी लग रही है भाई, जो भी है फिलहाल यही करा रहे हैं काम तो भाई, और अब से पहले देखो भाई हमारे गांव में सड़का बनी है, ये हमारे गांव में एक परवेज प्रधान थे यहाँ से, उन्होंने अब से पहले, अब तो ये लड़का गुलाबो है प्रधान है, अब से पहले हमारे गांव में परवेज थे प्रधान जो थे, सहारनपुर रहते हैं वो, उन्होंने माशाल्लाह हमारे गाँव में बहुत काम करा जी, वो चाहे वो काम कहीं से भी लेके आए बाकी उन्होंने काम बहुत कराया जी हमारे गाँव में, इसमें अगली सरकार जो गठबंधन की बननी चाहिए, मोदी जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए, बट कुछ वो तो वक्त बताएगा, जैसे कुछ वक्त तो बताएगा, आपकी चाह क्या, मन क्या करा, दिल किसको गवाही दे रहा है, और तो कुछ जैसा वक्त होगा ऐसा देखेंगे, जैसे भी होगा भाई, मोदी की सरकार आवे, मोदी की सरकार तो कब से पहले चली रही है भैया, भैया बाकी हमें नहीं कहते मोदी की सरकार अच्छी है, मोदी की सरकार में फायदे बहुत हो रहे, ऐसी बात नहीं है, देखो भाई फायदा मुस्लिम तो ये ऐसे बड़ी बात, मेरा अंडा काम है जी, और मैं रात को 8 बजे 9 बजे 10 11 बजे तक आता हूँ जी, कहीं भी कोई चोरी नहीं है जी, किसी टाइम चाहे कहीं को निकल जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब से देखो पहले जो सरकार थी समाजवादी थी या और सरकार थी, ये हंगामे बहुत थे कि भाई चोरी की वैसी, ये बहुत हंगामे थे, बाकी सरकार चोरी नहीं है, इस बात से बहुत फायदा है। एक बात बताओ, आप जो आम लोगों से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग भी उसमें से आते हैं, क्या क्या विकास कार्य, आपने अभी सुरक्षा की बात की है कि मोदी सरकार ने, इसके अलावा आप जो है मोदी सरकार के अच्छे और बेहतर काम क्या देखते हैं,
देखो काम तो इन लोगों ने कराए ही हैं जी भाई, देखो काम तो चल ही रहा है, बीमार गाँव में काम चल रहा है। देखो भाई अब सरकार तो भाई देखो मोदी की है ही है, देखो भाई हमारे गाँव में टंकी लगने जा रही है, देखो भाई मोदी साहब ने टंकी दी दी है भाई, काम तो इनके उसी में हो रहा है हमारे यहाँ अभी। विकास का फायदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, ऐसा भी बिरादरी को मिल रहा है। अगली बार जो मौका होगा, अगली बार जो मौका होगा ये विकास कार्यों को देख कर होगा या सकल को देख कर होगा, धर्म को देख कर होगा? अरे नहीं देखो धर्म तो देखो भाई ऐसा नहीं है, देखो भाई धर्म तो है सब, काम को सलाम है, देखो भाई जैसा काम करेगा ऐसा से वो मिलेगा। देखो भाई सुधरी बात, देखो भाई हम इन्हें कहते हैं भाई मोदी यहाँ काम करा रहे हैं, देखो भाई टंकी लगी है, देखो टंकी लगने से सभी को फायदा होगा भाई, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, ये कुछ नहीं है देखो जी भाई, सभी को फायदा होना है उसको। आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अभी हाल में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम मंदिर बनाया अयोध्या में, क्या उसका लोकसभा चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है? आपकी बात जायज है देखो भाई, उसमें क्या है देखो भाई, देखो मोदी है या योगी है, देखो ये लोग तो चाहते रहे कि भाई हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो आपस में, ये जो बीच के वो लोग हैं ना ये चाहते हैं कि आप उसमें जाए ना। देखो हमारे यहाँ हिंदू थे या मुसलमान थे, ईद को या दिवाली को कोई त्यौहार होता था कभी सब मिलते थे, ये तो आगे क्या हुआ, बस हम तुम एज और कौन है भैया के, ये हमने आपस में खुद मिल जुल के मतलब इसका बहुत बढ़ा दिया है जी जी, बहुत बढ़ा दिया जी जी। विधायक जी है, किस तरह के विकास कार्य देखते हैं आप उनके अभी हाल में जो विधायक जी है? देखो भैया अभी कुछ बात उनकी सकल नहीं देखी भाई, कौन मरा विधायक है कौन है कौन नहीं है, बस जब आगे वोट मांगने आगे मैं तो कोई आगे नहीं देखता भैया। आपको आपको पता तो है विधायक कौन है? अब से पहले यहाँ धर्म सिंह आए थे जी 5-7 साल पहले, उन्होंने को आते भी रहे थे, वो बात जो बात सही है, उन्होंने हमारे यहाँ काम भी करा है, हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत थी जी हमारे अधूराले के अंदर, उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ ट्रांसफार्म भी दिया और लाइन भी खिंचवाई और भी मतलब बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने हमारा काम करा है, ये बात नहीं है। चलिएगा ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।